नमस्कार, ग्रीटिंग्स फ्रॉम समीर मलिक, हार्ट केयर फाउंडेशन फंड। मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल, प्रेसिडेंट हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया एंड ग्रुप एडिटर इन चीफ मेडटॉक्स। मेरे साथ में फरहान है, 4 साल के हैं, डेक्स्ट्रोकार्डिया है, कॉम्प्लेक्स कंजेनाइटल हार्ट डिसीज है, 2 सर्जरी हो चुकी है, अभी स्टेबल है। सवाल आज का है, वॉट इज क्रिटिकल कंजेनाइटल हार्ट डिसीज। कंजेनाइटल हार्ट डिसीज मतलब पैदाइशी हार्ट के अंदर में बीमारी, 1% जो बच्चे पैदा होते हैं उसके अंदर में होती है, और 25% लोग जिनको कंजेनाइटल हार्ट डिसीज होती है उसमें क्रिटिकल कंजेनाइटल हार्ट डिसीज होती है। इसका मतलब है पहले साल में इनको या सर्जरी की जरूरत है या फिर इनको इंटरवेंशन की जरूरत है। ये लोग पहले जिंदा नहीं रहते थे, क्योंकि पहले हमारे पास में इसका पूरे इंडिया में कई मिनिमम सेंटर्स थे, अब हर स्टेट में इंटरवेंशन हो रही है और सर्जरी हो रही है। सो 25% यानी कि 0.25% ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न हैव क्रिटिकल कंजेनाइटल हार्ट डिसीज, और उनकी स्क्रीनिंग है सिंपल पल्स ऑक्सीमेट्री से एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज। बच्चे को डिस्चार्ज करने से पहले पल्स ऑक्सीमेट्री करें, और अगर आपको लग रहा है कि पल्स ऑक्सीमेट्री में उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम है, इनको क्रिटिकल कंजेनाइटल हार्ट डिसीज है। धन्यवाद।